एसएससी स्टेनो 2020 के जितने भी स्टूडेंट जिनका डीवी कल 29, 30 और 1 तारीख को लगा हुआ है, तो इवन 29 वाले ध्यान से अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब तो ध्यान से वीडियो को देख ले, बहुत जरूरी रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्योंकि कई जरा सी चीज़ भी अगर मेरे को ध्यान आती मुझे लगता है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि भाई कौन कौन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया थे लेकिन किस तरीके से रखने हैं। ओवरऑल 3 सेट आप सभी को बना के ले जाने हैं, ठीक है। 3 सेट में हो 2 सेट आपके वो लगाते हैं, हो सकता है एक ही लगाए लेकिन 2 सेट लगाते हैं, 1 सेट आपको वापस कर देते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा ले। किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 10th के मार्कशीट आपको सर्टिफिकेट, फिर 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर आपको अपना ओबीसी एससी एसटी या एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, फिर डोमेसाइल, फिर आपको एक ओरिजिनल आईडी की जेरोक्स लगानी। तो ऐसे करके 3 सर्टिफिकेट तो सॉरी 3 जेरोक्स आप सभी को बनानी है अलग अलग सेट की, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको इस एसटी तरीके फाइल में आपने लगा कर रख लिए होंगे, अभी उसको स्टेपल करके भी एक अलग अलग करके रख लीजिएगा। अब होता क्या है, हाँ एक चीज बता दूं कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन के टाइम में नहीं था, अभी कंप्लीट हुआ है, तो आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता दें। डीवी के टाइम पे तो आपको हर हाल में बतानी बतानी पड़ेगी, फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि जिन लोगों का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर ज्वाइनिंग के टाइम कंप्लीट होता है तो डिपार्टमेंट जब डीवी करेगा तब बता देना, ठीक है। क्योंकि कानल के चेकलिस्ट में सारी चीजें बनती, फिर वही चेकलिस्ट आपकी क्या होती है एसएससी के ऑफिस जाती है, सॉरी डिपार्टमेंट के जो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट होते हैं वहां पे जाती है, उसके हेडक्वार्टर में जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान रहता है अगर चेकलिस्ट में सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। सॉरी हाँ, अब इसके बाद क्या रहता है कि जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, तो वो क्या होता है सीरियल वाइज आपको बुलाते हैं। एडमिट कार्ड का एक सीरियल रहता है, उसे सीरियल वाइज वो पूरे कैंडिडेट्स बुलाते हैं। मान लो कि सोहन है तो सोहन को बुला लीजिए, सोहन आओ, सोहन फिर आया, उसने सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th पूरा ओरिजिनल देख लेते हैं, सारी चीजें जब देख लिया फिर चेकलिस्ट होती है। अब तो पहले नहीं था, अब चेकलिस्ट होती है, तो वो टिक करते जाते हैं नाम, पापा का नाम, सब पूरा भर के पूरा चेकलिस्ट पे एंट्री, 10 से 11 पॉइंट होते हैं, सारी चीजें की एंट्री कर ली, उसके बाद देख लेते हैं, फिर जेरोक्स एक साइड रख लेते हैं, फोटो 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 जहाँ तक 2 रखते हैं। और होता क्या है कि पहले जब मैं टीवी कराने जब मेरे हिसाब से भी 2 या 3 साल पहले क्या होता था कि सेल्फ अटेस्टेड आपकी हर कॉपी रहती थी, जो भी जीरोक्स आप दोगे, तो इस बार भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहती है, मेरे हिसाब से अभी भी वो चल रहा होगा, लेकिन आप एक बार देख लेना, क्योंकि वहां पे तो आपका सेल्फ अटेस्टेड होता ही होता है, मतलब इवन जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हो क्योंकि आप ही दे रहे हो, इसके लिए सेल्फ अटेस्टेड आपसे करवाया जाता है, तो देख लीजिएगा आप वहां पे, अगर जैसे ही कहे तो कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से रहता है, तो अभी मत करिएगा, पता ले फिर कल को कहे तो भैया ने ऐसा कहा था, लेकिन कंफर्म रहता है, मतलब अभी तक मुझे जिस हिसाब से लगता है, ठीक है, तो वो आपको करना है। और उसके बाद जैसे बुलाया जाएगा आपका जीरोक्स और फोटो वगैरह जो है वो आपकी वहाँ पे सबमिट कर ली जाएगी, और जो चेकलिस्ट है उस पर फोटो लगा के एक कॉपी आपको दी जाएगी चेकलिस्ट की, और एक कॉपी वो रखेंगे, ठीक है, और वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्ट प्रेफरेंस रहती है, पोर्ट प्रेफरेंस भैया ध्यान से देख लेना, कई बार क्या होता है कि वो फटाफट भर देते तो वो नहीं होता, एक एक चीज पूरा एक एक चेक कर लेना, टाइम पूरा आपको मिलेगा, उसमें कोई आपसे जल्दीबाजी नहीं करेगा, अगर जल्दीबाजी कर रहे फिर भी आप बिल्कुल घुस के पूरा 2 2 बार वेरीफाई करो, कोई मना नहीं करेगा, कोई ये आपका पूरा वो है, अगर जरा से भी गलत हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी पूरी चीजें चेक होती है, फिर आप इसके बाद ध्यान रखना कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो भैया भूलना नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है भूल जाते हैं, ठीक है, वहीं पे डॉक्यूमेंट रखा है भूल गए, तो भैया जैसे ही वहां से आप अपनी सीट पे आओगे नेक्स्ट कैंडिडेट बुलाया जाएगा तो भैया तब जाके एक एक चेक कर लेना, और नहीं हो तो दोबारा से जैसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना तो दोबारा से कर लेना, और एक बार टिक कर लेना भाई 10th की मार्कशीट वो रख ली, 12th की रख ली, हाँ ये चीजें सारी रख ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में सब कुछ है, हाँ ठीक है। क्योंकि कारण क्या होता है ना, आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हो या बातों करने में इतना मगन होते हो, कई बार भूल जाते हो, मैंने अक्सर ये चीजें नोट करी हैं, तो इस वजह से कि आप में से हर कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे भैया, ज्वाइनिंग तक ज्वाइन कर लो, उसके बाद भाई आप जो भी हो लेकिन ज्वाइनिंग तक सुरक्षित रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, क्योंकि जरा से कुछ होता है तो हौच पौच बहुत ज्यादा फिर हो जाती, फिर इधर उधर, ठीक है, परेशान भी हो जाते हो, और अगर किसी का कुछ भी गलत है नाम वगैरह में तो इतना कोई इशू नहीं, वो लोग 10th की मार्कशीट से ही सारी चीजें देखते हैं, तो बाकी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी इन केस प्रॉब्लम होती है तो एक अलग से सब्स्टिट्यूट एक फॉर्म आता है मेरे हिसाब से, मुझे ध्यान नहीं वो कौन सा फॉर्म रहता है, जैसे कई लोग क्या होते हैं स्पेस का या कुछ ऐसा रहता है, वो कोई फॉर्म रहता है तो उसमें वो पूरा भरवा लेते हैं, भरवाने के बाद क्या होता है नीचे आपकी सिग्नेचर हो जाती है, मतलब इस वजह से कि आप सारी चीजें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो फॉर्म भी आपका वहीं पर सबमिट होकर उसी फाइल में लग के चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कि भाई वो ये कह देते हैं कि भाई हमने अपना काम कर दिया, बाकी अब डिपार्टमेंट देखेगा, डिपार्टमेंट को वेरीफाई कराने वेरीफाई करा सकता है, तो ये सारी चीजें मोटी मोटी जो है वो रहती हैं। और क्योंकि कारण क्या है कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कह रहे थे कि सर मेरा ये गलत है वो गलत है, तो वहां पे ये फॉर्म का पूरा फॉर्मेट अलग से अवेलेबल रहता है, नहीं तो एफिडेविट ले जाओ तो वो सबसे अच्छी चीज है,
तो लगभग मेरे हिसाब से इतनी इतनी चीज़ें रहती हैं, और बस उसके बाद क्या, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जो भी लोग पहुंच चुके हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से डीवी दो, कुछ भी अगर रहता है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके रिव्यू जरूर देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन भैया रिव्यू दे देना कि भैया EWS और OBC ST का क्या कैसा क्या सीन रहा है। ठीक है, वो कहने के इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट 22 वाले उनके लिए भी आसान हो जाएगा। कल को आप जाते हो आप भूल जाओगे, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा, तो भाई दे देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और मेरे हिसाब से इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा लगता है वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी ग्रेड डी की क्या कट ऑफ रहेगी उसका मैं पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया है, वीडियो कल यार बना दूंगा। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इवन थोड़ा आने जाने में क्या है कि खांसी वगैरह भी आ रही है, और इतना करते करते 5.5 मिनट का वीडियो भी बन गया है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी आप डीवी देने जाइए और अच्छे से सबका सिलेक्शन हो। मतलब मुझे रियल बहुत खुशी है, मैं बस यही कहूंगा भैया आके बस मिठाई खिला देना जब भी मिलो। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।